अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल मालिक सोहा ते पे मेरे YouTube चैनल अब्दुल मालिक सोहा। तो व्यूअर आज दी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ठीक है, दिलचस्प वीडियो जरूर तोड़ तक करा। मैं तो नहीं आखा वीडियो लाजमी पूरी वाच करा, लेकिन आज मैं आधा पे वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वीडियो तुसा पूरी वाच करनी, एंड तक देखनी। तो आज थोकू मैं बहुत ही इंटरेस्टेड दिलचस्प चीज दिखाऊंगा, मतलब सारा ही रिश्तेदार है, फ्रेंड है, दोस्त भी है, ठीक है, इलाके दे। असं बिल्कुल देहात दे रहण वाले हैं, ठीक है, सादा माहौल पले बने, ठीक है। तो इतने एक सारा एक दोस्त आई, वह बाहर रही है मुल्तान में, गालबन मुल्तान जलाहौर उत्थे रही है। उत्थू उसने उसको इंटरव्यू गिनने हैं, पता करें भाई उस किमें सिस्टम ईजाद किया है, या कितना इन्वेस्टमेंट सब कुछ उस बनाई है, साबण वाली फैक्ट्री घर सारे एक इस नखानदा एक देहात ना इस इलाके चो उस अपना बिजनेस क्रिएट किया। तो माशाला काफ़ी वो कामयाब भी हो गए। तो उन्होंने अज इंटरव्यू करेंगे, तो थोड़ा कुछ ना लिखे ने भाई। ये सारे प्यारे दोस्त हैं, सारे रिश्तेदार भी हैं, ठीक है, तो सारे फ्रेंड भी हैं, सारे कौमी भराई भी हैं। तो इन्हों का नाम है मोहम्मद हसनैन सो। तो इन्हें अपना बिजनेस क्रिएट किया, तो सारे कैमरे च कवरेज आँदी पे उसी देते पे उस इन्हें मशीन है सारे इन्हें को पूछते हैं कितना इन्हें इन्वेस्टमेंट इससे की है, कितना मतलब खर्चा इन्हों का थी है, तो ये काम कितू इन्हें डिठा है, कितू सीखा है, किन्ने मतलब इस फील्ड च आए, ये सारा इन्हों को इंटरव्यू गिने हैं। अच्छा सनैन भाई, सब तो पहले तो मतलब बड़ी खुशी हुई है तुसने काम किया सारे इलाके, ठीक है, देहात अपना बिजनेस बिल्ड किया है, ठीक है। तो असं थोड़ा हौसला बदलने अल्लाह पाक थोड़ा कामयाब करे, ठीक है। तो इो कुछ आपको पता है तुम बाहर रहा आवे गलबन लाहौर या कितने थोड़ा स्टेटस वगैरह दे दिया तुम रहा आवे, तो इस सिस्टम का मेरे को हूं पता लगे, मैं आप पहली दफा आया करें। मेरी ख्वाहिश आई कि वैसे सनैन भाई को बकायदे करे टाइम कट के, लेकिन आज स्पेशल थोड़े को असं कौन आया है, असें कम आया रिश्तेदार को, सुफियान भाई और कैमरामैन खड़े इन्हें को आया। तो बस उतु सब ख्याल है भाई, चलो आ तक गया स्पेशल नहीं, तो वैसे मैंने हसनैन मुबारकबाद ही करें, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे, थोड़ी इतना इंटरव्यू ही करी है। तो ये हसनैन भाई तुम्हें काम है कितु सीखा है, कितु थोड़ी ख्वाहिश पैदा थी है, या क्या हिसाब किताब है? सब तो पहले मैं काम यूट्यूब पे लिखा है। अच्छा यूट्यूब पे तो लिखा है। हां जी, अच्छा, तो एक हफ्ते मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा हूं वीडियो, वैसे तो मेरा इरादा कोना है, लेकिन ये एक अचानक वीडियो की आई है, उस मुताबिक मैं सुनेदा रहे, बाद में आके देखा इस मजीद इस इंफॉर्मेशन की दी वजह बड़ी गल है, मतलब एक देहात जाने वाला बंदा उस यूट्यूब ते देख के ते बात उस कंसीडर कीता है, मतलब उस ते एक मुतफिक को है कि मैं आया काम करा, हुन तने ख्याल आया सन भाई मैं कामयाब थी सा या कौन ना थी सा, या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिगरा चाहिए है? बिल्कुल, मैं उम्मीद को ना कि मैं काम करे सा, लेकिन ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डस्क दे विच ट्रेनिंग करे ना रे। अच्छा, बकायदे दी ट्रेनिंग की दी इस काम दी? हां जी। अच्छा, ते हर इतवार दे हुंदे फ्री क्लास। अच्छा, मैं कोशिश ये करे ना कि बाकी तो मेरा हफ्ते दे स्कूल दा टाइमिंग हुंदा है, इतवार मेरे को छुट्टी हुंदी है जेड़ा मैं ट्रेनिंग ते लेना। अच्छा, तो स्कूल हुंदे आवे? हां जी। उस तो बाद इतवार ले तो इस काम की क्लास के अंदर काम की क्लास के नाम। माशाल्लाह, मैं को 6 महीने 7 महीने तो पहले ट्रेनिंग की थी। अच्छा, उस बाद ना पहले मैं 3 महीने घर बैठ के फिर भी क्लास नहीं दी, मुल्तान सेंटर भी ना पहले 1 महीना मैं बैठा रहा उठे जा क्लास नहीं दी। अच्छा, असा समझे भाई वैसे तें कि तें कोई सुनो होस या कोई सिस्टम डिठो होस या तें घर आके बिल्ड कर दी तें कोई क्लास वर्क, मतलब कह दे जे तें प्रोग्रेस की तें तैयारी की थी, ठीक है, उस तो बाद ही काम बिल्ड की। तो सारी सोच है जिस टाइम सुना हुन ता असा प्राइस सुनी खणा है तोरी इन्वेस्टमेंट, लेकिन पहले असा सोचा है भाई हो सी कोई 40-50 हज़ार रुपए दी मशीन ना की दी हो सी, कि तें देख आयो सन इने बकायदा काम कर दी तो 40-50 हज़ार। तो ये कितना इन्वेस्टमेंट इससे की दा मशीन? 10 लाख ते पहुंच गया ना, तो مزید ही 3 लाख مزید इससे लावणा है। अच्छा, इस सिस्टम तो 10 लाख रुपया लाई खड़े सारे, ठीक है, ते 2-3 लाख दी हाली गुंजाइश है यार। ये तो थारे मतलब वाले दरों दे बड़ी गल है कि उन्होंने तो सपोर्ट की थी है, थोड़ा तो एक ट्रस्ट की था, मतलब हम असा तो खड़े ना साकू भरोसा को नहीं, कैसा वाले नौकर से काम करने दे पे 10 लाख दे, मतलब आम बंदा दाखी तो वाले जूती लगा गए थे, क्योंकि शक्ल बंदी जैसी पे होने भाई 10 लाख रुपये में बने होने, तो इसे वाले की हिम्मत है, मतलब उस साथ जा बेटे अल्लाह पाक ने कामयाब की थी है, तो एंड वास्ते भी करे कामयाब, ठीक है। तो 10 लाख रुपये उन्होंने इसको दिता है, तो ट्रस्ट ने बिल्ड की था, मतलब इन्हें इतनी इन्वेस्टमेंट करके कामयाब की थी पे। अच्छा, साबण तो किने बनाए दे तैयार करें दे? नूडल होंदे दा केमिकल होने। अच्छा, केमिकल, ये केमिकल करे सारे केमिकल प्रोटीन ने। अच्छा, ठीक है, थोड़ी देर पहले आने तो थोक मशीन चला के दिखाऊंगा सारा प्रोग्रेस, लेकिन ना साबण नीता पे ए चेक करे सो।
ਗੁਲਾਬੀ ਕਲਰ ਇਹ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਥਿਆ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਖੜੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦਿਖਿਆ ਇਹ ਵਾਈਟ ਡੂ ਕਲਰ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ ਪਹਿਨੇ ਇਸ ਦਾ ਛਾਪਰ ਚੈਸੋ ਇਸ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਦੋ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹ ਬਿਊਟੀ ਸੋਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਦੀ ਵੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਾ ਸਨੇ ਬਕਾਇਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਇਤਰਾ ਕੇ ਸੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਦੇ ਪੈਣ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛਾਪਰ ਬਣਾਏ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਸਾਬਣ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਪੀ ਆਈ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਇਹਨੇ ਪਵਾ ਪੀ ਵੈਸੇ ਬਕਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਾਲ ਦੋਂਦੇ ਗੱਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਗੱਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪੀ ਜਾਂ ਇਹ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਪੈਕ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਐਲ ਫੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲ ਚੰਬੜ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਪੈਣ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਮੜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਛਾਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਤਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੈਣ ਉਹ ਐਲ ਫੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਡੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਵੈਸੇ ਨਾ ਸੁੱਕ ਵੈਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਬਣ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਣ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪੈਣੇ ਵਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣੇ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਅਗਰ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ੀਦ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਕਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ 1000 ਅਸਾਂ ਸਾਬਣ ਤਿਆਰ ਵੈਸੇ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਚ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ 500 ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਯਾਦ ਨੇ ਭਾਈ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਚ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 500 ਅਸਾਂ ਸੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1000 ਸੋਪ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੇਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੱਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਕੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਗੋਂ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਇਹ 72 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਪੈਣ 4 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੌਰ 4 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਪੈਣ 4 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਦੇਣ ਉਹ ਸਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੀ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਚੱਟੀ ਖੱਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਈ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਬਣਾਉਣ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੋਪ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਤਿਆਰ ਥੇ ਭੈਣ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ